हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे सांख्यिकी की प्रश्नावली 12.1 और इस चैप्टर 12 में एक ही प्रश्नावली है 12.1 जिसको हमने करना है। आसान है, थोड़ा सा आलेख खींचना अगर आपको आ जाएगा तो सबसे आसान प्रश्नावली यही है। क्वेश्चन देखिए, पहला, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए, कुछ आंकड़े प्राप्त किए महिलाओं में बीमारी का पता लगाने के लिए, और वो आंकड़े इस ढंग से दे रखे। देखिए, जन स्वास्थ्य अवस्था, महिला मृत्यु दर उसके अंदर 31.8% है, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था 25.4% है। इस ढंग से 6 प्रकार के कारण यहाँ दे रखे हैं। इन आंकड़ों को देख करके आपने क्या करना है, पहला, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। ये जो सूचनाएं दे रखी हैं इनको हमने आलेखीय रूप में दिखाना है। आलेखीय रूप यानी कि दंड आलेख खींचेंगे हम इनका, जो आपने पिछली क्लास 8वीं में भी सीखा था। अगर नहीं सीखा है तो भी दिक्कत नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। मैंने पहले से ही ये दंड आलेख खींच रखा है इसका, देखिए ये खींच रखा सारा यहाँ पे पूरे क्वेश्चन का। यहाँ करना क्या होता है आपको, देखिए यहाँ जो पहला जो खाना ये दे रखा है इसको आप ले लेंगे एक्स अक्ष पर, यानी जो कारण दे रखे हैं इसको लेंगे एक्स अक्ष के ऊपर, और ये नंबर 2 वाला जो है महिला मृत्यु दर इसको वाई। तो देखिए यहाँ कारण जो है, ये कारण मैंने नीचे लिखा, देखिए कारण जितने भी थे, जनन स्वास्थ्य अवस्था, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, अक्षति हृदय वाहिका अवस्था, श्वसन अवस्था या अन्य कारण, ये सारे दिखा दिए नीचे एक्स अक्ष पर, और यहाँ क्या दिखाया है महिला मृत्यु दर प्रतिशत में, यहाँ इसको दिखा दिया। ठीक है, अभी ग्राफ ये दंड आलेख मैंने कैसे खींचे हैं उनको देखने के लिए इस टेबल को देखिए आप, फिर देखिए इस टेबल को। यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा क्या आपका 31.8, ये जितने भी दे रखे आंकड़े इनमें सबसे बड़ा क्या है 31.8, क्योंकि आंकड़े काफ़ी बड़े चले गए, 31.8 तक चले गए हैं, इसलिए हमें इसका दंड आलेख इसी क्वेश्चन में, बाकी आगे दिक्कत नहीं आएगी। हमने क्या किया, देखिए इन 10 खानों को, अगर बड़ा खाना कहें तो एक है, 5 के बराबर मान लिया है, लिख दिया मैंने एक मात्रक बराबर किसके है 5% के, ये लिखा हुआ यहाँ पे एक मात्रक बराबर किसके है 5% के, यानी कि यहाँ एक खाना कितने का आपका 5% का है। और यहाँ अगर इस बड़े खाने की बात करें इसके अंदर छोटे खाने कितने हैं 10। अब 10 खानों में अगर 5 बन रहे हैं तो एक कितने खाने से बनेगा 2 खानों से, 2 खानों का 1, 4 खानों का 2, 6 का 3, 8 का 4 और 10 का कितना हो जाएगा 5। तो इस ढंग से हमने इसको यहाँ बांट दिया एक्स एक्स के ऊपर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, बस 35 तक लेके गया हूँ, क्योंकि मेरे बड़े से बड़ी जो मेरी आंकड़ा था वो क्या था 31.8 है। अब इसका देखिए ये दंड आलेख कैसे खींचा है। एक बात और ध्यान रखेंगे आप, जब भी आप दंड आलेख खींचेंगे तो ये जो दंड जो है ना सबकी चौड़ाई नीचे से लेकर ऊपर तक एक जैसी होगी, और सारे बराबर चौड़ाई की, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, सबकी चौड़ाई क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, बराबर चौड़ाई की बात होगी। और क्या करना है कि हरेक दंड के बीच में जितनी चौड़ाई का आपने दंड बना रखा है उतनी चौड़ाई आप खाली छोड़ेंगे। जैसे एक बना दिया फिर इसको खाली छोड़ दिया यहाँ पे, फिर दूसरा बना दिया फिर ये खाली छोड़ दिया, फिर तीसरा बना दिया फिर ये खाली छोड़ दिया, ऐसे खाली छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब कैसे ड्रा किया होगा इसको, कैसे बनाया होगा। अगर हम जन स्वास्थ्य अवस्था की बात करें वो आपका दे रखा 31.8। अब 31.8 यहाँ कैसे आया है, देखिए ये कितना आपका 30 है यहाँ पे, और क्या बताया था अभी मैंने 30 और 35 के बीच में 10 खाने हैं, तो 31 का मतलब 2 खाने 31, और 31 से थोड़ा सा ऊपर, आप 0.8 को ढूंढना तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा इसके अंदर। तो आपको एग्जामिनर जब चेक करेगा तो बस देख लेगा क्या इसकी दंड आलेख की चौड़ाई सही है, क्या 31 के पास है, हाँ है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट 31.8 ढूंढना चाहो तो पता नहीं कितना बड़ा ग्राफ आपको लेना पड़ेगा ग्राफ पेपर। तो 31 से थोड़ा सा ऊपर दिखा दे, देखिए 30 तो यहाँ पे हो गए,
अब दो खानों से क्या बनेगा एक, मैंने दो से थोड़ा सुपर, एक और दो, दो से थोड़ा सुपर ले लिया है और क्या बना दिया इसको 31.8, इधर से मिलाया, इधर से 31.8 लिया, यहाँ से लिया, दोनों को ऊपर से मिला दिया, पहला मेरा दंडालिक बन गया। और दूसरा जो है वो आपका है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, उसमें चार थी और 25, देखिए 25 तो यहाँ पे हो गया और चार जो हमने काउंट कर रखा था, चार दुनिया आठ को गलत कर रखा, देखिए 25 ये होगी। और क्योंकि दो खाने होने के बाद क्या बन जाएगा 25.1 बनेगा, तो 25.4 का मतलब 25 से थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल हल्का सा ऊपर, ये यहाँ तक आएगा, ये हल्का सा ऊपर, ऊपर गलत किया था हमने वो, ये यहाँ आएगा, बिल्कुल हल्का सा ऊपर आएगा, क्योंकि 25.4 क्योंकि दो खाने आते थे, क्या हो जाए 26 हो जाएगा, क्योंकि दो छोटे खाने किसको दिखा रहे हैं, एक को दिखा रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आएगा ये 25.4 आपका, ये हो जाएगा। अगला जो है आपका वो है 12.4 अक्षति, 12.4 यहाँ देखिए, ये 10 है यहाँ पे लाइन, ये 10 है, 10 के बाद 12, 12 का मतलब चार खाने, ये चार खाने, अगर 12.4 है तो चार से थोड़ा सा ऊपर, देखिए वो पांचवा खाना है, ये चौथा, दोनों को थोड़ा सा बीच में ले लिया, यहाँ मिला दे, ये आपका क्या हो जाएगा 12.4 हो जाएगा। 12.4 के बाद अगला जो है वो है आपका अर्धवाहिका अवस्था, जो कि 4.3 है, ये अर्धवाहिका अवस्था 4.3, ये देखिए पूरा पाँच है यहाँ तक, तो पाँच से दो खाने नीचे आ जाएंगे, क्या जाएगा चार, क्योंकि 4.3 तो चार से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4.3, क्योंकि यहाँ तो देखिए क्या हो जाएगा पाँच हो जाएगा, 10 खाने यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 खाने पाँच हैं, आठ खानों पर कितना हो जाएगा चार हो जाएगा, और 4.3 तक थोड़ा सा ऊपर, ये दिखा देंगे हम इसको। और नेक्स्ट जो आपका वो है आपका श्वसन अवस्था, और श्वसन अवस्था दे रखा है आपका 4.1, तो वही वो 4.1 क्या था आपका, तीन था, ये 4.1 लगभग, ये से थोड़ा सा और कम हो जाएगा, तो उतना ही उस जितना लगभग ये आ जाएगा 4.1। और अन्य कारण जो है वो आपका दे रखा 22, तो देखिए ये लाइन किसकी है 20 की, ये वाली 20, और 22 का मतलब दो और दो चार खाने, एक दो तीन चार, यहाँ तक दोनों साइड मिला देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा अन्य कारण। तो ये आपका दंड आलेख हो गया, जो पहला क्वेश्चन पूछा था, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए, तो ये हमने इसको आलेखीय रूप में निरूपित कर दिया है, जिसके अंदर एक बड़ा खाना किसको दिखा रहा आपका 5% को दिखा रहा है। अब इसके अंदर क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है, ये पहला क्वेश्चन आपका, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में व्यक्त कीजिए, वो जो हमने कर दिया है, ठीक है जी। उसके बाद कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, यहाँ देखिए कौन सी अवस्था, यहाँ अगर देखिए दंड आलेख में सबसे बड़े वाला जो दंड आलेख है, जो मृत्यु का कारण है, ये वाला है, ये रहा, कितना था 31.8, क्या कारण था इसका, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ये कारण क्या था, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, जनन स्वास्थ्य, क्यों, क्योंकि अधिकतम मृत्यु दर 31.8 इसी अवस्था में, क्योंकि जो कारण जो है मृत्यु का वो सबसे ज़्यादा यही है 31.8। अगला तीसरा जो क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर क्या पूछा है वो, अपने अध्यापिका की सहायता से ऐसे दो कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिसकी ऊपर दो में, यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था महिलाओं के खराब स्वास्थ्य का कारण, ऊपर दो में मुख्य भूमिका रही हो। तो देखिए दो दो कारण, पहला चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, पहला बात यह है कि चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, ठीक है, तथा दूसरा क्या, फिर सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, दूसरा क्या हो गया, सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, एक तो चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और दूसरा सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। और इस ढंग से आपका जो है फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है। ग्राफ अगर दोबारा एक बार देखना चाहो दंड आलेख को, ये देख सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी यहाँ से ले सकते हो, ये वाला। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं,
यह क्षेत्र है या प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। इसका क्या मतलब, देखिए अनुसूचित जाति के अंदर 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 940, अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970, गैर अनुसूचित जाति जनजाति में 920, पिछड़े जिले में 950, गैर पिछड़े जिले में 920, ग्रामीण में 930 और शहरी में 910। यानी कि अलग अलग अक्षेत्र के अंदर प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या दिखा रखी है इस टेबल के अंदर। पहला क्या करना आपको, ऊपर दी हुई सूचनाओं को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। अभी बताया था ये जो शुरू वाला खाना है इसको तो हम दिखाएंगे एक्स एक्स पर, नीचे इसको नीचे दिखाएंगे एक्स एक्स पर, और इनको दिखाएंगे वाई एक्स पर। और वाई एक्स में दिखाने पर आप वाई एक्स को जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत बड़े आंकड़े गए हुए हैं। तो इस तरह के जब बहुत बड़े आंकड़े गए हुए हैं तो आप उस अक्ष के ऊपर एक निकुंज या किंक का चिन्ह बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ देखिए, अगर आपका प्रारंभ में शून्य ना ले सकें तो निकुंज या किंक का चिन्ह बनाकर या अक्ष में एक विच्छेद दिखाकर हम आलेख शुरू कर सकते हैं। देखिए कैसे किया, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रहा, मैंने इसको कहाँ से शुरू किया है, 890 से शुरू किया, सीधा ही जीरो नहीं लिया यहाँ पे, या जीरो हालांकि यहाँ पे है जीरो लेकिन बीच में क्या बना दिया, निकुंज बना दिया, कुछ छोड़ दिया इसको आलेख को। और यहाँ से 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960 और 970। तो ये तो आपकी क्या दिखा रखी है, अक्षेत्र दिखा रखे हमने। ये क्या दिखाया हमने, ये अक्षेत्र है आपके अलग अलग प्रकार के, किस अक्षेत्र में क्या है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अक्षेत्र है आपकी ये अक्षेत्र। और नीचे क्या दिखाना है मैंने, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यहां यहां क्या है, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये दिखा दे किसके ऊपर, एक्स एक्स के ऊपर, प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या। अब पहला क्या दिखाना है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति की लड़कियों की संख्या कितनी, 940। अब ग्राफ में 940 दिखाऊंगा मैं, देखिए 940 इस ग्राफ के अंदर कहाँ आएगा, ये है आपका 940 दंडालेख, सॉरी ये 940 है, यहाँ 940 लिया मिला दिया, और दूसरा आपका ये 930 940 था ना, और फिर ये रहा 940, इसको मिला दिया, और ऊपर से इस लाइन को स्केल से मिलाना भी है, स्केल से मिला दिया, और किसका था ये, अनुसूचित जाति, यहाँ लिख देता हूँ अनु, अंदर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नीचे आ जाना चाहिए आपका, ये क्या है अनुसूचित जाति। दूसरा क्या आपका, अनुसूचित जनजाति 970, अनुसूचित जनजाति 970, 970 मेरा ये देखिए, उसके बाद करेंगे क्या, एक खाना छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से उठाऊंगा मैं लाइन को और 970 तक लेके जाऊंगा इसको दंडालेख को, 970 ये रहा। और एक मात्रक मैंने कितने का ले रखा है, 10 का ले रखा है, यहाँ पर भी 10 10 का डिफरेंस ले रखा है, ये 970 हो गया मेरा, उसको ऊपर से मिला दिया, फिर यहाँ से देखिए ये 970 को मिला दिया, ठीक है। और ये क्या था आपका, अनुसूचित जनजाति, ये आपका था अनुसूचित जनजाति, ठीक है। तीसरा लेना हमने गैर अनुसूचित जाति या जनजाति, वो है 920। अब 920 एक खाना छोड़ के यहाँ पे 920 यहाँ है मेरा, देखिए ये रहा, तो 920 ये लिया और नीचे तक लिया है इसको ऐसे ही, यहाँ भी 920 को लिया, ये नीचे तक लिया है ऐसे, और फिर ऊपर को मिला, ऊपर से मिला दिया इनको 920, ये 920 बन गया आपका। ये किसका था, गैर अनुसूचित जाति, ये थे आपकी गैर अनुसूचित जाति या जनजाति। अच्छा मात्रक मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखिए भी एक मात्रक यानी कि 10 लड़की, यानी यहाँ एक मात्रक किसको दिखा रहा है, यहाँ पे 10 लड़कियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मात्रक 10 लड़कियों को दिखा रहा है, ठीक है भी। फिर चौथा था आपका पिछड़े जिले, पिछड़े जिले में है 950 भी, पिछड़े जिले एक खाना छोड़ के और 950,
एक खाना छोड़ के 950, ये आ गया आपका 950। एक खाना छोड़ के 950, स्केल से मिलाना, माथ से मिलाना इसको, ऐसे आपको स्केल से मिलाना फुटेज इसको 950। और 950 किसका था? पिछड़े जिले, यानी यहाँ क्या लिख दोगे आप? पिछड़े जिले, पिछड़े जिले 950 के बाद गैर पिछड़े जिले, और वो आपके 920। एक खाना छोड़ के 920, एक खाना छोड़ के ये है आपका 920, ये रहा 920, ये आपका 920। आपको फुटेज से मिलाना है, फिर कह रहा हूँ इसको 920। ये आप क्या है? गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। और उसके बाद आपके ग्रामीण है 930, ग्रामीण 930, ये आ जाएगा अगला 930। वहां से देखिए 930, 930 आपको फिकर हम आपको स्केल से मिलाना है, मिला दिया मैंने स्केल से। और ये क्या था आपका? ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण के बाद है शहरी 910। सबसे कम देखिए शहरी, शहरी अक्षेत्र है वहां जो है 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या सबसे कम है 910। यानी कि ये कहते हैं जहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते वहां। तो अब देख लो समझदार कौन है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। 910 और ये है आपके क्या? शहरी। तो ये मैंने आपका बना दिया दंडालेख, ऐसे ये कंप्लीट है। ऐसे चाहो तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन तो क्या था इसके अंदर, देखिए ये था पहला क्वेश्चन, ऊपर दी गई सूचनाओं को दंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। कर दिया हमने दंडालेख द्वारा पहले ही। दूसरा क्या है? कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? पहला तो अनुसूचित जाति में प्रति हजार, किसमें? अनुसूचित जाति में प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या सबसे अधिक 970 है। किसमें? अनुसूचित जनजाति में। एक तो निष्कर्ष ये। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में सबसे कम कितनी आपकी? 910 लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर। और इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए। राजनीतिक पार्टियों के परिणाम दे रखे हैं, राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी ई एफ, फिर जीती गई सीटें हैं 75, 55, 37, 29, 10 और 37। और क्वेश्चन क्या? पहला, मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंडालेख खींचिए। दंडालेख खींचना है इनका, देखिए दंडालेख वही समान चौड़ाई के हमें दंड खींचने होते हैं इसके अंदर, और उतनी जगह बीच में खाली छोड़नी होती है। यहाँ आपका क्या है? देखिए जीरो है ये, नीचे मैंने क्या ले लिया? राजनीतिक पार्टी, और यहाँ क्या लिखा है? जीती गई सीटें वाई एक्स पर। और एकमात्रक का मतलब 10 सीटें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एकमात्रक वो आपका 10, 20, 30 ऐसे एकमात्रक। और जीरो और 10 के बीच में 10 खाने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे पहले जो पार्टी ए है उसने सीटें जीती 75, पार्टी ए ने 75 सीटें जीती हैं, तो हम दंडालेख बनाएंगे 75 का। यहाँ पे देखिए ये 70 है, ये 80 है, इन दोनों के बीच में ये क्या आपका यहाँ पे 75 है। 70 और 80 के बीच में 5 खाने, 70 से आगे आप 5 खाने गिन लीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका? 75 हो जाएगा अभी 75, 70 और 80 के बीच में, यानी 70 से ऊपर, ये कर दिया 75, 75। इसको स्केल से मिला दीजिए, स्केल से मिलाना भी, मैं कभी कभी हाथ से मिला दूंगा आपको, स्केल से ही मिलाना आपको ये। और ये आपकी क्या? राजनीतिक पार्टी कौन सी आपकी? ए।
उसके बाद अगली राजनीतिक पार्टी बी को, बी ने जीती 55 सीटें। इसके बाद क्या करेंगे आप, एक खाना खाली छोड़ देंगे यानी यहाँ से शुरू करेंगे और 55 लेंगे भी, 55 यहाँ आ जाएगा आपका, 50 से 5 खाने छोटे छोड़ के, 50 से ऊपर 5 छोटे खाने गिन के, ये इसे 50 है ना, ये इसे ऊपर 1 2 3 4 5 खाने गिन के ऐसे उनको मिला देंगे आप, फुटे से मिलाएंगे, मैंने हाथ से मिलाया इसको। ये एक आपकी पार्टी हो गई बी जिसने 55 सीटें जीती हैं। उसके बाद पार्टी सी ने जीती हैं 37 सीटें भी, 37 यानी कि 40 से 3 नीचे खाना छोड़ेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे देखिए, और 40 से 3 नीचे काउंट करेंगे। ये लाइन किसकी देखिए, यहाँ पे 40 की है, 40 से 1 2 3 यानी क्या हो जाएगा आपकी 37, 40 से 3 नीचे, ये 40 थी, 1 2 3 हो जाएगा आपकी 37 भी, इनको मिला देंगे फुटे से मिलाएंगे और ये आपकी पार्टी कौन सी हो जाएगी, सी। उसके बाद डी ने जीती हैं 29 सीटें, 29 का मतलब 30 से कम, एक खाना छोड़ेंगे फिर भाई, एक खाना छोड़ के यहाँ की देखिए कितनी है, 30 से नीचे एक खाना छोड़ दिया 29, 30 से नीचे एक खाना छोड़ना भी, ये 30 वाली लाइन है, एक खाना छोड़ दिया ये 29, इनको मिला देंगे ये आपका 29 और ये हो जाएगा डी भी, डी 29 के बाद ई है आपका 10। अब एक खाना छोड़ के 10 ये रहा आपका, ये 10 एक खाना छोड़ दिया फिर बनाया 10 का, ये 10 स्केल से मिला देंगे, पार्टी ई हो जाएगी आपकी है। और ई के बाद एफ की है 37 सीटें, 37 यानी कि 35, 37 यानी कि 40 से 3 नीचे पहले की तरह, जैसे ये आपकी 40 की लाइन है, 40 से 3 नीचे, 1 2 3 3 नीचे, और यहाँ भी 40 से 3 नीचे भी, 1 2 3 और इनको मिला दिया 40 से 39 38 37 ये आपकी पार्टी हो गई है एफ, ये आपकी कौन सी पार्टी हो गई, एफ हो गई। अब ये तो आपका देखिए हमने दंडालिक खींच दिया है, चाहो तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका पहला तो ये दंडालिक खींच दिया हमने, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। अब दंडालिक से बताओ चाहे टेबल से देख लो, सबसे ज़्यादा कितनी है 75, तो किसने जीती है, ए ने, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक 75 सीटें जीती हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन 3 का आंसर, सेकंड का, राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक 75 सीटें जीती हैं, 75 सीटें जीती हैं, और इस ढंग से आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है। ग्राफ देखना चाहो तो, दंडालिक देखना चाहो तो फिर देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखिए, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। इधर है लंबाई मिलीमीटर में और यहां है पत्तियों की संख्या। 118 से 126 मिलीमीटर की पत्तियों की संख्या 3 है, 127 से 135 5 है, 136 से 144 9 है, ऐसे दे रखी सारी है। इस टेबल को देख करके आपको क्या क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयचित्र खींचिए, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। तो पहली बात तो ये कि ये जो आंकड़े दे रखे हैं ना, देखिए 118 से 126 और
उसके बाद यहाँ क्या आ गया 127 से 135। ये आंकड़े आपके सतत नहीं हैं, कंटिन्यू नहीं हैं, यानी कि यहाँ अगर 126 है तो ये आंकड़ा 126 से शुरू होता तो सतत होता, और अगर इस ढंग के आंकड़े अगर दे रखे हैं, अगर वो आंकड़े आपके सतत नहीं हैं, तो पहले तो हम इन आंकड़ों को सतत कंटिन्यू लगातार बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको जो है ना सोल्व करेंगे। और इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हमें करना ये होता है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 126, यहाँ है 127, 126 और 127 के बीच अंतर कितने का है, एक का। जितना भी अंतर हो, 2 का अंतर हो सकता है, 10 का अंतर हो सकता है, जो भी अंतर है उसका आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ किया मैंने, ये बनाया मैंने, इनका अंतर कितने का है, एक का है, तो एक का जब आधा करोगे, यहाँ कर रहा हूँ जैसे मैं, एक का आधा यानी एक को 2 से भाग कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 0.5। तो ये जो 0.5 है ना, इसको आपको ऊपरी सीमा और नीचे की सीमा दोनों में चेंज करेंगे। नीचे की सीमा के अंदर तो घटा देंगे और ऊपर वाली में जोड़ देंगे। कैसे, जैसे ये आपका 118 है, 118 में से 0.5 कम कर देंगे, 0.5 कम कर देंगे तो क्या बन जाएगा 117.5, और 126 में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा आपका 126.5। जैसे ये कर रखा मैंने यहाँ पे, इसको क्या लिखा 117.5 और इसको क्या कर दिया 126.5। अगला 127 था उसको घटा दिया, घटा के 127 का क्या कर दिया हमने, अगला जो है आपको दिख रहा होगा ये, हाँ देखिए अगला है 127, 127 में से 0.5 घटा दिया, क्या बन जाएगा 126.5, और ये 135 है इसमें 0.5 जोड़ दिया, 0.5 जोड़ दिया तो ये हो जाएगा आपका 135.5। ऐसे इन सभी आंकड़ों को हम जो है ना सतत बना लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे, लगातार बना लेंगे, ताकि जो आय चित्र वगैरह जो हम बनाए उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो इस ढंग से मैंने इस टेबल को यहाँ पे चेंज कर दिया है, और यहाँ लिखा है मैंने ऊपर देखिए क्या, यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, अतः ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ाकर, मैंने बताया 0.5 कहाँ से आया है, जितना भी इनका सतत में डिफरेंस है उसको आधा करके ऊपरी सीमा में जोड़ दीजिए, नीचे की सीमा में घटा दीजिए। ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ाकर तथा निम्न सीमा में 0.5 घटाकर इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाया, ये बना लिया सतत यहाँ पे। इसलिए वर्ग अंतराल, अब नया वर्ग अंतराल क्या बनेगा, ऐसे बनेगा 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5 आदि, और इस ढंग से आपकी टेबल क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब पहला इसका क्वेश्चन क्या था, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आयचित्र कीजिए। अब ये जो आंकड़े हमने बनाए हैं इसका हमने क्या करना है, आयचित्र खींचना है, ऐसे ये आयचित्र खींचना हमने इसका। इस आयचित्र के लिए देखिए मैंने क्या नीचे क्या लिखा, लंबाई मिलीमीटर में, और यहाँ विभंग बना दिया, ये कट लगा दिया ऐसे, क्योंकि आप जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, और सीधा फिर यहाँ पे क्या लिखा 117.5, 126.5, ये वाला 126.5, ये आपका 135.5 थोड़ा दिख नहीं रहा है, 144.5, फिर 153.5, फिर 162.5, फिर 171.5, और उसके बाद 180.5, ये सारे मैंने नीचे लिख दिए हैं। किसका, लंबाई का, यहाँ पत्तियों की संख्या इधर वाई एक्स के ऊपर दिखा दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक दिखाई मैंने ऊपर तक, ये 12 तक इसको दिखा रखा है। अब इसके ऊपर हम जो है इसको, इसके आय चित्र को बनाएंगे। आय चित्र में देखिए 117.5 से 126.5 कितना आपका 3, तो 3 को दिखाएंगे आय चित्र पे, 117.5 और 126.5 के 3 दिखा देंगे भी, 117.5 से लिया 3 की सीध में लिया, इसको मिलाया, और ये 126.5 इसको मिलाया, ये आपका हो जाएगा 117.5 से लेके 126.5 तक। उसके बाद 126.5 से 135.5 कितना आपका 5 है, तो नेक्स्ट जो है कहाँ तक करना, आपने 5 तक करना है, अगला आपने कहाँ तक करना है 5 तक। तो इसमें अगर देखेंगे ये 5 यहाँ आपका, ये रहा 5, ये इस 5 को यहाँ तक जाने दिया, और आयचित्र के अंदर जो है ना दंडालेख में हम एक एक खाना छोड़ते थे, इसमें हम छोड़ते नहीं, कंटिन्यू बनाते, कोई खाना बीच में खाली नहीं छोड़ते हैं भी ये, और पर आप इसको फुटे से मिलाना, आपको स्केल से, मैं हाथ से मिला रहा हूँ, ऐसे मिला दिया इसको। अब 100
छब्बीस से 135 हो गया। अब 135 से 144 क्या देखिए, 135 से 144 आपका 9। तो अगला हम आय चित्र बनाएंगे, 9 का बनाएंगे। ये लिया मैंने यहाँ पे, और कहाँ तक करना है, 9 तक। 9 इसमें ये रहा, यहाँ पे रहा, तो 9 तक जाने देंगे ऐसे कंटिन्यू मिलाते हुए। सभी आय चित्र आपस में एक दूसरे को सटा करके बनाने, हमने दंड आलेख की तरह नहीं करना है, जिसमें एक एक खाना हम बीच में खाली छोड़ते थे, ऐसे मिला दिया 9 को। 9 यहाँ तक था, भी फुटे से मिलाना आपको, स्केल से मिलाना है इसको। ये आपका कितना हो गया 9, 135.5, 144.5। उसके बाद 144 से 153 की अगर बात करें, 144 से 153 ये आपका 12 है, कितना है 12। तो अगला 12 का बनाएंगे, पूरा ऊपर तक चला जाएगा आपका ये 12 में, शायद इसमें आ भी नहीं रहा है, 12 बिल्कुल ऊपर तक आएगा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है। ये 12 को बनाएंगे नीचे तक ऐसे, ये पूरा 12 वाला बना दिया ऐसे, और इसको मिला दिया, 12 पत्तियों वाला हो गया। उसके बाद 153 से 162, ये 12 वाला बना दिए। अब 153 से 162, 153 से 162 आपका 5। तो 5 आपका कहाँ ही रहा 5, तो 153 से 162 को मिलाया 5 तक भी, 5 तक मिला देंगे इसको, 5 ये रहा आपका यहाँ पे, तो यहाँ मिला देंगे इसको ऐसे, और फिर इसको यहाँ मिला देंगे ऊपर से 5 को, ठीक है भाई। फिर अगला नेक्स्ट आपका 162 से 171, 162 से 171 आपका 4 है भाई, पत्तियों की संख्या 4, 162 से 171 पत्तियों की संख्या कितनी है 4, 4 ये रही आपकी, और यहाँ 4 आपका ये रहा, तो इसको मिला दिया, ये आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर लास्ट में 171 से 180.5, ये आपका है 2। फिर 2 का बना देंगे आय चित्र के, 2 का ये बना देंगे, 2 का ये 2 हो गया आपके, तो ये तो बन गया आपका आय चित्र में। ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा शायद नीचे से, 117.5 से 126 ये एक्चुअल में ये, और 135.5, इस ढंग से आपका आय चित्र ये रेडी है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके बारे में देखिए, क्वेश्चंस के बारे में देखिए। दूसरा जो क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला तो क्या था, दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला आय चित्र खींचिए, आय चित्र हमने खींच दिया है। दूसरा, क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, यानी कि इन्हीं आंकड़ों को दिखाने के लिए कोई और भी आलेख है क्या। इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला अन्य उपयुक्त आलेख बारंबारता बहुभुजरी, इसके अलावा और जो इस तरह का अगर हम आलेख खींचना चाहें तो कौन सा खींच सकते हैं, बारंबारता बहुभुज। ये बारंबारता बहुभुज क्या है, नेक्स्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। यानी आय चित्र के अलावा हम इसको बारंबारता बहुभुज से भी दर्शा सकते हैं। और थर्ड जो क्वेश्चन है क्या है भाई, वो क्या यह निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है और क्यों। ऐसा सही नहीं है भाई, क्योंकि अगर हम देखें ना 153 वाले की बात करें, जैसे इसमें देखिए, जब ऐसा आप ग्राफ आयत चित्र से देख सकते हो, 144.5 से 153.12, वैसे इस टेबल को देखें, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या 12 ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 की 12 पत्तियां 153 मिलीमीटर की हैं। ये कहां से लेकर कहां तक हैं, 144.5 से 153.5, तो कोई 144 की है, कोई 145 की है, कोई 146 की है, 147 की, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो ऐसा कहना कि 153 वाली सबसे अधिक है वो गलत होगा। हाँ, 144.5 से 153.5 तक की बात करें फिर तो सही है, लेकिन यहाँ तो क्या कहा है, कह रहा है सही है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, ऐसा नहीं है अभी नहीं, क्योंकि 144.5 से 153.5 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियों की संख्या सबसे अधिक 12 है। 12 तो है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक पत्ती की लंबाई 153 है। इसका मतलब 12 तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 153 हर एक पत्ती की लंबाई है। उनमें जो है 152 भी हो सकता है, 151 भी, 150 भी, 148 भी, तो पत्तियों की लंबाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए यह निष्कर्ष सही नहीं है। और इस ढंग से आपका यह चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है। पांचवा प्रश्न देखिए, नीचे की सारणी में
400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ये जीवन काल दे रखा लैंप का, यानी कि कितने टाइम तक वो लैंप ठीक ठाक काम करते हैं, सही जलते हैं। 300 से 400 घंटे वाले 14 लैंप हैं, 400 से 500 वाले 56 लैंप हैं, 500 से 660 लैंप ऐसे दे रखे हैं सारे। इस टेबल को देख के क्वेश्चन क्या क्या है इस टेबल के हिसाब से, फिर एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, यानी ये जो सूचना दे रखी है इनका आपने क्या बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र देखिए, मैं यहाँ बनाएंगे हम इसके ऊपर ग्राफ पेपर पे, यहाँ नीचे क्या दिखाया है, जीवन काल घंटों में, यहाँ एक ये कट लगा दिया किंक, जिसको विच्छेद बोल दिया, सीधा जीरो से स्टार्ट करने के बजाय हमने किसको कहाँ से शुरू कर दिया इसको 300 से, ऐसा कट लगा के आप बीच में से फिर आप शुरू कर सकते हो। जैसे कहीं भाई बड़ा आंकड़ा है तो आप जीरो से स्टार्ट करो कि आपका ग्राफ यहाँ जाके स्टार्ट हो, तो यहाँ एक ऐसे विच्छेद बना के, विभंग बना के आप इसको शुरू कर सकते हैं। और यहाँ दिखाया है लैंपों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, और ये जीरो से लेकर 10 तक यहाँ पे कितने खाने, आपके बीच में 10 खाने हैं, और एक खाने का मतलब क्या हो जाएगा, एक लैंप। तो इसको हमने आयत चित्र बनाना है पहले। ये आयत चित्र मैं स्केच पेन से बना रहा हूँ, हालांकि आपको इसे स्केच पेन से नहीं बनाना है। स्केच पेन से इसलिए बना रहा था कि मैंने देखा कि पीछे वाले वीडियोज़ में जब मैं पेन से इनको ड्रा कर रहा था तो साफ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके खाने बहुत गहरे दिख रहे हैं ग्राफ के। आपको एग्ज़ाम में जब बनाएंगे इसको या तो पेंसिल से या फिर पेन से, बारीक पेन से बनाएंगे इसको। फिलहाल मैं स्केच पेन से बना रहा था कि आपको साफ साफ दिख जाए, सिर्फ इसलिए, वरना बनाना आपको किससे, इसको पेंसिल से या पेन से बनाएंगे, सबसे बेटर तो पेंसिल से बनाना होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 300 से 400 घंटों वाले कितने लैंप है, 14 लैंप है यहाँ पे आपके। तो 14 लैंप कहाँ दिखाएंगे हम, देखिए यहाँ कितने हैं आपके, 10 है, यहाँ कितना है 20, 10 और 20 के हम कितने खाने हैं, बीच में 10 खाने हैं, ये बीच वाला क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 से एक नीचे क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो आप इसको 14 पे मिलाएंगे ऐसे, ये आपका 10 है, बीच में ये 15 वाला है, इस ये 10 का, ये 20 का, बीच वाला 15 का, इससे एक नीचे 14। हालांकि इसमें आप सारे मिल जाएंगे, स्केच में तो दिख नहीं पाएगा, पेंसिल से जब आप बनाओगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि 14 वाला, ये 14 पे मिला दिया मैंने ये, और इस ढंग से आपका ये पहला बन जाएगा, ये बन गया 14 का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने बनाना है 300 से 400 के बाद, 400 से 500 कितना है 56, 400 से 500 है आपका 56, और 56 के लिए देखिए यहाँ कितना आपका है 50, ये 60 है, बीच में क्या है 55, इससे एक खाना ऊपर क्या हो जाएगा 56। और बनाते कैसे इसको, आपस में सटा के एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिला के बनाते हैं आयचित्रीय, ये 55 बीच में और 55 से एक ऊपर मेरा हो जाएगा 56, ऐसे 55 से एक ऊपर मेरा हो जाएगा 56, ऐसे मिला देंगे इसको। ये हो गया आपका कौन सा 400 से 500 घंटे, 400 से 500 घंटों के बाद 500 से 600 घंटे भी कितने हैं 60, 60 बल्ब हैं, 500 से 600 पे हैं 60, 60 ये रहा आपका। तो इसी के साथ लेके ऐसे कहाँ लेके चलेंगे 60 तक, 60 तक, ये 60 तक गया, इसको भी कर दिया यहाँ पे 60 तक, 60 तक कर दिया, और ऊपर से मिला दिया इनको, ये ऊपर से मिला दिया है, ठीक है जी। उसके बाद 600 से 700 कितना है 86, 600 से 700 86, तो नीचे आपका 600 से 700 ये 600 से 700 कहाँ तक लेके जाना है 86 तक, 600 से 700 को 86 तक। तो आपस में मिला के करना है, देखिए ये 80 है, 80 के बाद 85, 85 से एक ऊपर करिए, ये क्या हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा, 85 से एक ऊपर 86, ऐसे इस साइड में 85 से एक ऊपर 86, और फिर उनको ऊपर से मिला दिया 86। 86 के बाद आपका जो है
वह 700 से 874 700 से 874 हमने करना है, 74 करना है भी। ये 70, उसके बाद 75, 75 से एक कम क्या हो जाएगा आपका 74। क्योंकि कितने कितने खाने बीच में, 10 10 10 10 का गैप है और एक खाना एक का है, एक बल्ब का है, एक लैंप का है। उसके बाद 800 से 900 आपके हैं 62। 800 से 900 में हम जाएंगे कहाँ तक, 62 तक। 800 से 900 में जाएंगे 62 तक, 62। ये आपका 60 वाली लाइन ये रही, और इससे कितना ऊपर, 2 ऊपर। ये खाना तो है पहले आ लेंगे, 60 से 2 ऊपर 62, ये 60 से 2 ऊपर 62, उनको मिला देंगे, 62 को मिला दिया, ठीक है भी। फिर 900 से 1000 आपका 48, यानी 50 से 2 कम। 900 से 1000 आपका 48, 48 ये आपका 50, 50 से 2 खाने छोड़ देंगे, 48 आ जाएगा। ये आ गया आपका 48। तो ये आपका बन गया भाई आय चित्र कंप्लीट है, ये आय चित्र बन गया आपका। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, आय चित्र तो बन गया कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या कितने, ये तो पहले में तो क्या था, एक आयचित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए, सूचनाओं को हमने निरूपित कर दिया है। कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, इसका उत्तर लिखना आपने। चाहो तो आप इसको इस आयचित्र से बता दो, इसको चाहे आप टेबल से बता दीजिए। कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक, देखिए 700 घंटे से अधिक, ये 700 से 800 वाला आएगा, 800 से 900 वाला आएगा, और 900 से 1000 वाला, ये क्या आपके 700 से अधिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 प्लस 62 प्लस 48, सबको जोड़ देंगे 8 2 10 और 4 14 1 6 4 10 7 17 1 18 184 लैंपों के, लैंपों का बल्कि लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है, अधिक है, यानी कि जो 700 से ऊपर सबको जोड़ लीजिए, और इस ढंग से आपका ये पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट। छठा क्वेश्चन देखिए, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया। दो सेक्शनों के विद्यार्थी हैं, उनके द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए उनका बंटन दे रखा है। क्या है इसमें कि जीरो से सेक्शन ए में 0 से 10 अंक वाले 3 विद्यार्थी हैं, 10 से 20 वाले 9 हैं, 20 से 30 वाले 17, 30 से 40 वाले 12, 40 से 50 वाले 9, ऐसे ही सेक्शन बी का दे रखा है, ठीक है। करना क्या है, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए, दोनों सेक्शनों के, किसके हेल्प से, बारंबारता बहुभुज और एक ही आलेख पर दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की फिर तुलना भी करके बतानी है आपको। तो क्या है इसके, देखिए पहले हम बारंबारता बहुभुज बनाते हैं, उसके बनाने के लिए फिर मैंने जो है इससे पहले एक काम और करेंगे इसके अंदर, यहाँ हम बनाएंगे वर्ग चिन्ह, जो इस टेबल में मैंने जगह छोड़ी नहीं, यहाँ बीच में कर देता हूँ मैं, क्या बनाना है पहले वर्ग चिन्ह यहाँ बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, आप एक बीच में खाना और बना लेना है, वर्ग चिन्ह यहाँ भी बनाना पड़ेगा और यहाँ भी एक खाना और बनाना पड़ेगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या है, जो अंक दे रखे इनका मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए, जैसे 0 और 10
को जोड़ेंगे 10, 10 को 2 से भाग करो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका वर्ग चिन्ह कितना आ जाएगा 5। 10 और 20 का जोड़ करोगे 30, 30 का आधा करो कितना हो जाएगा 15। 30 और 20 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। 30 और 40 70, 70 का आधा हो जाएगा आपका 35। 40 और 50 90, 90 का आधा हो जाएगा आपका 45। ऐसे ही यहाँ भी वर्ग चिन्ह निकालेंगे, आ जाएगा आपका 5, ये आ जाएगा 15, ये आपका 25, ये 35 और ये आपका हो जाएगा 45। ये वर्ग चिन्ह हमने एक्चुअल में यहाँ ऐसे बीच में बना देना है, ऐसे वर्ग चिन्ह। ऐसे वर्ग चिन्ह ये लाइन बीच में ये यानी यहाँ आनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम बनाते हैं बारंबारता बहुभुज। और बारंबारता बहुभुज के लिए देखिए मैंने ये स्केच पेन का यूज किया है। फिर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह आपको कह रहा हूँ, आपको स्केच पेन नहीं लेना है, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे आप इसको। मैं स्केच पेन इसलिए ले रहा हूँ ताकि फिगर इसमें दिख जाए, हालांकि स्केच पेन से एग्जैक्ट नहीं दिखेगा आपको तो, लेकिन आपको करना पेंसिल से है या फिर पेन से कीजिए, बारीक पेन से। स्केच पेन से नहीं करेंगे, आपको मोटा मोटा साफ दीजिए, इसलिए मैं स्केच का यूज़ कर रहा हूँ। पहले सेक्शन ए, सेक्शन ए के लिए देखिए मैं किससे दिखाऊंगा इसको, ब्लू कलर से दिखाऊंगा, नीले रंग से, और सेक्शन बी को ब्राउन कलर से दिखाऊंगा जब ये ड्रा करूंगा तो बहुभुज। और कैसे करेंगे, यहाँ देखिए नीचे सेक्शन दिखा दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 और यहाँ बारंबारता है 5, 10, 15, 20 वाई एक्स के ऊपर, ये जीरो है। इधर और जाएंगे पीछे, यहाँ क्या जाएगा आपका माइनस 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। पहले देखिए सेक्शन ए में वर्ग चिन्ह 5 पे बारंबारता कितनी है 3, वर्ग चिन्ह 5 पे बारंबारता 3, वर्ग चिन्ह 5 पे बारंबारता 3। अब यहाँ देखिए कितना है 5। अब देखिए यहाँ क्या कर रखा है कि 10 खानों पे हमने 5 बनाया, तो इसका मतलब दो खाने से एक बनेगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। आप 0 से 5 तक 10 खाने हैं, तो 10 खानों पे 5 बनाया, इसका मतलब दो खानों से एक बनेगा, दो छोटे खानों से। 3 का मतलब कहाँ पे आएगा, 6 वाला बिंदु आएगा, ये बिंदु 6 वाला, ये 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, एक बिंदु लिया। फिर 15 पे कितना है 9, 15 पे कितना है 9, 10 के 5 पर आप है, ये 5 पे आपका 3 है, 15 पे कितना है 9 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम 15 और 15 पे हम लेंगे 9, ये आपका है 15 और 15 पे 9, 9 यानी कि ये 10 और 10 से क्या करेंगे, दो दो खाने का एक चल रहा है, यानी कि दो खाने कर देंगे यहाँ पे कम, तो ये आ जाएगा नीचे, ये 9, 15 पे हो गया 9 आपका, ठीक है। फिर आपका 25 पे आएगा 17, 25 और उस पर 17, 17 का मतलब वही 15 से ऊपर जाएंगे 15 हो गए, और 17 का मतलब है इसमें दो और जोड़ें, दो का मतलब 4 खाने, 25 पे 17, ये 15, 15 के बाद 4 खाने जोड़ेंगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे 17, 17 हो गया भी, ठीक है। फिर 35 पे 12, 35 पे 12, 12 12 ये 10 और 12 का मतलब दो खाने, यानी कि यहाँ 4 पे आ जाएगा ये 12, 35 पे क्या हो जाएगा आपका 12। और फिर आपका 45 पे 9, 45 पे दिखाना 9, ये 45 और 9, ये यहाँ पे क्या 10, दो खाने छोड़ दी, कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर हम इसको क्या कर देंगे, स्केल से मिला देंगे भी इसको, स्केल से मिलाएंगे ऐसे एक दूसरे को मिलाते हैं, कोई कहीं भी जाए, चाहे हमें कुछ नहीं देखना है, कोई चाहे कैसे भी जाए, हमने बस इसको स्केल से मिला देना है। तो ये शुरू में इसको मिलाया ऐसे, क्योंकि इससे पीछे क्या आएगा माइनस 5 आएगा ना, अगर 10 10 का अगर गैप करते जाएंगे तो। फिर इसके बाद इसको मिला देंगे ऐसे, फिर इसको मिला देंगे, फिर इसको मिला लेंगे ऐसे, फिर इनको मिला दिया,
और उसके बाद ये 45 है ना, अगला कहाँ पे जाएगा, 55 पे जाएगा, अभी 10 का डिफरेंस करते हुए बिल्कुल नीचे तक आपको जरूर लेके आना है, नीचे तक आपको जरूर लेके आना है। ये ऐसे ये बहुभुज आ गई, थोड़ा सा इसको नीचे मिला लेना, ये बहुभुज बन गया आपकी। देखिए यहाँ यहाँ ही क्यों मिला है, क्योंकि कितने का डिफरेंस चल रहा है, 5, 15, 25 के बाद 35, तो यहाँ 5 से 10 पीछे जाएंगे तो -5 पे आएगा। तो ये हमने किसका किया, सेक्शन ए की बहुभुज हमने बना दी, सेक्शन ए की। अब सेक्शन बी की बनाते हैं, उसके लिए मैं ब्राउन यूज करूंगी, ब्राउन सा सिंबल बनाया मैंने। उसमें क्या देखिए, 5 पे कितना है, 5 पे है 5, ये पॉइंट आपका। फिर 15 पे कितना, 19, ये 15 और इस पे कितना, 19, ये आपका 20 है। बी और 15 के ऊपर 2 खाने छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका 19। फिर 25 पे कितना, 15, ये 25 पे ये हो गया आपका 15। फिर 35 पे कितना, 10, ये 35 और 35 पे 10, ये 10 रहा, 35 पे 10 ये आ जाएगा 35। और 45 पे कितना, 1, 45 पर कितना, ये 45 और इस पर 1, 1 यानी कि 2 खाने, ये वाला ये। और फिर इनको वैसे मिला देंगे जैसे पहले मिला रहे थे, जैसे इसको मिलाएंगे 5 पे, -5 पे लेके आएंगे 10-10 के डिफरेंस के हिसाब से, यहाँ ले आया इसको। फिर इसके बाद 5 के बाद 15 वाला ये है, ये 15 वाला है, फिर इसको मिला देंगे ऐसे। फिर अगले हर एक बिंदु को मिलाना आपस में, हर एक बिंदु को, दो बिंदु को, 3 नहीं इकट्ठे कर लेने कभी भी आपको, 3-4 नहीं करने, दो को मिलाना है। और फिर इसके बाद इसको सीधा कहाँ मिलाएंगे, इस बिंदु से 55 पे मिलाएंगे भी, 55 पे ऐसे थोड़ा सा नीचे जाएगा ये 55 पे। तो ये 2 हमने बहुभुज बना दिए, सेक्शन ए के लिए आपका ब्लू वाला है और सेक्शन बी के लिए आपका क्या है, ब्राउन वाला है। अब इसका आंसर जो है क्लियर मेरे ख्याल से ये। अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए, यानी कि यहाँ जो आपके ग्राफ आए हैं इनसे रिजल्ट क्या हुआ, क्या निष्पादन हुआ। तो इसमें देखेंगे ए के प्राप्तांक जो है ना, ए के देखिए, ए का ग्राफ लगभग एक ही, ए के आपका नीले कलर का है, ये देखिए ये यहाँ तो एक बारी ये प्राप्तांक तो क्या है, कम विद्यार्थी ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ है ना, तो ए के प्राप्तांक ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा वाले ये दिखा रखे हैं ज़्यादा मार्क्स तो ये हैं, 30, 35, 40, 45 यहाँ आने के बाद ग्राफ किसका ऊपर उठ गया है, ये सेक्शन ए का ग्राफ ऊपर उठ गया है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके पता चलता है कि सेक्शन ए के विद्यार्थी सेक्शन बी से क्या है, बेहतर है। तो इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ अभी यहाँ पे मैं, ग्राफ तो मैंने खींच दिया इसका, बहुभुज तो बना दी मैंने, और इसमें क्या लिख देंगे कि दोनों बहुभुजों के अध्ययन से पता चलता है कि, क्या पता चलता है, सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक के विद्यार्थियों के प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर हैं। अब कोई देख के कहेगा कि ये ग्राफ तो ब्राउन वाला ऊपर है जी, यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, क्योंकि प्राप्तांक ये हैं 35, 40, 45, जैसे यहाँ से 25 के बाद अंक आने शुरू है ना, या बेशक 20 के बाद भी आने शुरू कर दें, किसका ग्राफ ऊपर उठ गया, ये नीले वाला ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो गया, ये वाला। यहाँ तो कम अंकों का जिक्र था, यानी कम अंक में तो आगे कौन है, सेक्शन बी आगे, कम अंकों में तो ऊपर उठा हुआ है, और जब भी अंक ज़्यादा हुए उस टाइम पे कौन आगे हो गया, ये
सेक्शन बी आगे हो गया। तो सेक्शन बी जो है सेक्शन ए, सेक्शन ए आगे, नीले वाला सेक्शन ए है ना, वो बी से क्या हो गया आपका आगे हो गया। तो इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट। सातवां क्वेश्चन देखिए, एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए। टीम ए ने कितने रन बनाए हैं, टीम बी ने कितने बनाए हैं 60 गेंदों में भी। जैसे टीम ए ने 1 से 6 गेंद के अंदर कितने रन बनाए हैं, 2 रन बनाए हैं। फिर 7 से 12 गेंदों में कितना रन, 1 है। 13 से 18 में 8, 19 से 24 में 9, 25 से 30 में 4। इस ढंग से रन बना रखे हैं टीम ए ने और टीम बी ने। करना क्या है आपको यहाँ पे, इसमें आपने ये पहले तो क्या दे दिया, रन बनाए गए हैं ये दे रखा है, और इसके अंदर करना है आपको ये बुक में देखिए रन दिए गए हैं ये, और उसके बाद क्या करना है, बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े हमने दिखाने हैं। संकेत भी दे दिया बुक में, पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। इसका मतलब वर्ग अंतराल यहाँ पे आपका सतत नहीं है, कैसे नहीं हो देखिए, जैसे यहाँ वर्ग अंतराल है 1 से 6, उसके बाद क्या आ गया आपका 7 से 12। जनरली हम देखते हैं अगर यहाँ 1 से 6 है ना, तो यहाँ क्या मिलता है आपको, 6 ही मिलता है, यहाँ बीच में क्या होगा ब्रेक हो गया, ये 1 का डिफरेंस है। तो इसको वर्ग अंतराल को सतत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जितने का इस ऊपरी सीमा में और इस निम्न सीमा में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1 का है, उसका आधा कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 का है तो 1 का आधा कर देंगे, अगर कहीं पे 2 हो तो 2 का आधा कर देंगे, 4 हो 4 का आधा कर देंगे, 10 हो 10 का आधा कर देंगे, या 1 का आधा करेंगे, 1 का आधा यानी कि बटा दो, वो क्या बन जाएगा आपका 0.5। इसको अब ये 0.5 जो बनाया है आपने इसको सतत बनाने के लिए, इसके लिए क्या करते होते हैं, निम्न सीमा में से इसको घटा देंगे। जैसे 1 में से 0.5 घटा देंगे और 6 में 0.5 जोड़ देंगे, ऐसे 7 के अंदर 0.5 घटा देंगे और 12 के अंदर 0.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा है मैंने, देखिए ये लिखा है, आपको भी लिखना चाहिए, यहाँ वर्ग अंतराल सतत नहीं है, अतः ऊपरी वर्ग सीमा में 0.5, मैंने बताया था कैसे आया 0.5 आपका ये बढ़ाकर, तथा निम्न वर्ग सीमा में 0.5 घटाकर इन वर्ग अंतरालों को सतत बनाया। कैसे बनाएंगे देखिए, वो जो आपका 1 से 6 था उसमें से 0.5 घटाएंगे, 0.5 बन जाएगा, 6 के अंदर जोड़ेंगे 6.5 बन जाएगा, तो ऐसे बन जाएंगे। फिर ये निम्न में घटा देंगे 0.5 से 6.5, फिर 6.5 से 12.5, सारे ऐसे हो जाएंगे। जैसे कि नीचे का अगर देखें 55 से 60, 55 में से 0.5 घटाएंगे 54.5 और 60 में जोड़ेंगे तो 60.5, जैसे नीचे ये बन गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इनका वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते होते हैं, वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ो, जैसे 0.5 और 6.5 है ये, इन दोनों को जोड़ा कितना होगा, जोड़ इनका 7, और फिर 7 का आधा कर दो, 7/2 करो कितना हो जाएगा 3.5, तो ये 3.5 आ गया आपका। ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे 6.5 और 12.5 को जोड़ेंगे, 6.5 और 12.5 को अगर आप जोड़ोगे, 12 और 6 18 1 19, फिर 19 का आधा करोगे क्या बन जाएगा आपका ये 9.5, तो यहाँ क्या जाएगा आपका ये 9.5। ऐसे ही आगे सोल्व करते जाएंगे, 15.5 21.5 27.5 और 33.5, ऐसे आएंगे सारे, वो शुरू में देख लेना डिफरेंस 6 का है, जैसे सब में 6 जोड़ते जाओ अपने आप आ जाएंगे, सबको जोड़ के आधा करके देखने की जरूरत नहीं है। फिर टीम ए और टीम बी ने जो रन बनाए थे वो रन लिख दिए। अब इसके बाद बनाते हैं इसकी बारंबारता बहुभुज कैसे बनती है उसको, देखिए इसके लिए मैंने ऐसे बनाया, देखिए ये टीम ए के लिए मैं ब्लू कलर से बहुभुज बनाऊंगा, टीम बी की मैं ब्राउन कलर से बनाऊंगा। इसकी नीचे दिखा रखे हैं, जैसे क्या देखिए 0.5 थोड़ा छोटा है, 0.5 फिर 5 खानों का 3.5 फिर 6.5 फिर यहाँ से बनाइए, यहाँ से 0.5 6.5 6.5 12.5, ये ऐसे है 0.5 6.5 9.5 12.5, कहाँ तक कर दिया ये 63.5 तक कर दिया, 63। और यहाँ रनों की संख्या 2 4 6 8 10 12,
ये बीच में अगर इस खाने को लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा। यहाँ बीच में लेंगे कितना हो जाएगा आपका, तीन हो जाएगा। इनके बीच में पाँच हो जाएगा, इनके बीच में सात, इनके बीच में आपका नौ, और इनके बीच में आपका कितना हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा। ठीक है जी, अब इन आंकड़ों का हम बहुभुज बनाते हैं। देखिए बहुभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, अब 0.5 से 6.5 जिसका वर्ग चिन्ह कितना है आपका, 3.5 है, और 3.5 पे वर्ग चिन्ह पे टीम ए के रन कितने हैं, दो हैं। टीम ए को मैं ब्लू कलर से दिखाऊंगा, तो 3.5 पे कितने हैं, दो। 3.5 ये रहा, 3.5 आपका, 3.5 पे कितना, दो, दो ये रहा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3.5। फिर 9.5 पे एक, तीन के बाद नौ, 9.5 पे क्या आपका, एक, 9.5 पे क्या आपका, एक है, ये 9.5 और यहाँ पे क्या आपका, एक, ये एक दिखा दिया। फिर 15.5 पे आठ, 9 के बाद 15.5 पे आठ, आठ की सीढ़ी में चलेंगे, आठ ये रहा आपका आठ, ठीक है, 15.5 पे आठ। फिर 21.5 पे नौ, 21 ये रहा आपका नीचे, ये 21 रहा, 21.5 पे नौ, नौ ये पॉइंट हो गया आपका नौ। फिर 21 के बाद है आपका 27.5 पे चार, ये 27.5 पे चार, ये चार हो जाएगा आपका। फिर 27.5 के बाद 33.5 पे पाँच, 33 देखिए ये 33, 33.5 पे कितना आपका, पाँच, 33.5 पे पाँच, ये पॉइंट। 33 के बाद 39.5 पे छः, 39.5 पे है आपका छः, ये हो जाएगा छः आपका, 39.5 पे छः। 39 के बाद 45.5 पे दस, 45.5 पे कितना आपका, 10, ये 10, 10 कहाँ से देखेंगे, उस साइड से 10। फिर 45 के बाद 51.5 पे 6, 51.5 ये 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, 6। और 51 के बाद 57.5 पे 2, 51.5 ये हमने 51 पे दिखाना था, 57 पे दिखा दिया, 51.5 पे कितना था आपका, ये 6, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट गलत ड्रा होगा, ये नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, 51.5 पे 6 और 57.5 पे 2, 57 ये, 57.5 पे 2, ठीक है, ये बना दिया हमने किसका, ए के लिए बनाया है। अब इसको क्या करते हैं, हम फुटे से स्केल से मिला देते हैं इनको, फुटे से स्केल से मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, शुरू के पॉइंट ये हैं देखिए, जैसे इन दोनों को मिलाएंगे, बारंबार तो बहुभुज बना रहे हैं ऐसे, ये इन दोनों को मिला दिया। फिर इससे अगले ये हैं, बारी बारी से इनको मिला दिया, फिर इनकी बारी आ गई, इनको मिला दिया। इसके बाद ये है, दो दो पॉइंट को इकट्ठा नहीं करें किसी को भी, इनको मिला दिया। ये बाई चांस तीनों, बाई चांस आ रहे हैं तीनों सीध में, कोई जरूर नहीं सीध में आई, ये मिला दिया। उसके बाद इसको मिला दिया, फिर यहाँ इसको मिलाया, फिर इसके बाद इसको मिला दिया नीचे इस पॉइंट को। फिर पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तीन के बाद वो छः छः का डिफरेंस है, तो यहाँ 57 के बाद छः जोड़ेंगे कितना हो जाएगा। देखिए किस किस पे लिए पॉइंट हमने, 3.5, फिर 9.5, 9 के बाद 15.5, 15 के बाद 15 और 6 21, तो यहाँ 57 के अंदर 6 जोड़ेंगे, 57 और 6 63। तो इसको बेशक नहीं दे रखा हम, अगला कहाँ मिला के छोड़ेंगे, बिल्कुल आधार पे, एक्स एक्सिस पे मिला के छोड़ेंगे, यहाँ आके मिलाएंगे, यहाँ नहीं छोड़ देंगे, नीचे तक लेके आएंगे। ऐसे जहाँ से स्टार्ट हो रहा था उसको भी जो है ना 6 पीछे करेंगे, 9 से 6 पीछे करेंगे, तो कितने पे आएगा आपका, ये -2.5 पे आएगा, ऐसे इस पे -2.5 पे, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान से भी यहाँ आ जाएगा ये। तो ये ब्लू कलर का हमने किसके लिए बना दिया, टीम ए के लिए बहुभुज बना दिया है। ऐसे हम जो है टीम बी का बहुभुज बनाएंगे, उसके लिए मैंने जैसे नीचे दिखा रखा ब्राउन कलर से दिखाना है मेरे को, तो टीम बी का बनाते हैं। टीम बी में जो है क्या दे रखा आपका, बी में 3.5 पे कितना है, पाँच, 3.5 पे है पाँच टीम बी का, ये रहा
3.5 पे 5, फिर 9.5 पे 6, 9.5 9.5 9.5 के बाद 6, ये हो जाएगा ये पॉइंट। फिर 15.5 पे 2, ये आपका 15 और 15 पे फिर कितना है 2, 15.5 पे 2। फिर 21.5 पे 10, 21.5 21.5 पे 10, ये हो जाएगा 10, 21.5 पे 10। फिर 27 पे कितना, 27.5 पे 5, 27.5 ये रहा 27.5, और 27.5 पे कितना लेना आपको 5 लेना है, 5 किसी दिन देख लीजिए, ये 5 रहा 5। 33.5 पे 6, 27 और 6 33.5 पे 6, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ से 6। 33 के बाद 39.5 पे 3, ये 39 और 39 पे कितना 2, 2 रेखे का जगह आपका 3, ये यहाँ पे 3। 39 के बाद 45.5 पे 4, 45 ये रहा, और 45.5 पे कितना आपका 4, ये 4 हो जाएगा, उधर से 4 देख लीजिए। फिर 45.5 के बाद 51.5 पे 8, 51.5 ये 51 है भी, 51.5 पे 8, 51.5 पे 8, 8 8 ये है भी, 51.5 पे क्या हो जाएगा आपका 8, ये 8। 51 के बाद 57.5 पे 10, 57.5 और 57.51 कितना था आपका ये 51.5 पे 8, 51 कहाँ है, 51 कहाँ है, फिर गड़बड़ कर दी क्या, ये क्या था 48 और 51.5 पे 8, ठीक है 57.5 पे 10, ये आपका हो जाएगा 57, 57.48 और 3 51, 51 और 3 54 पॉइंट हमने यहाँ छोड़ दिया अभी बीच में, 54 छोड़ दिया है, पीछे वाला भी कर दिया ऐसे ही, 57 54 3 57, 57 48 45 और 3 48 48 और 3 51, 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60 और 60 और 3 63, ये पॉइंट है, थोड़ा सा देख लेना आप इसको, ये तो पहले वाले ग्राफ की भी गड़बड़ हो गई। चलो एक बार इसको पूरा कर देते हैं, फिर उसको भी कर देंगे। 51.5 पे 8, 51.5 पे कितना है 8, ठीक है ये तो। फिर 57.5 पे 10, ये आपका 51 54 57, 57.5 पे है 10, 57 पे 10, ये पॉइंट हो जाएगा 10, ठीक है ये तो ठीक ठाक बन गए 51 पे 57 पे। एक बार इस टेबल को मिला देते हैं, फिर कर लेंगे पूरा इसको, एक बार इनको मिला देते हैं सभी पॉइंट्स को, ऐसे मिलाते हैं, देखिए सारों को, पहले इनको मिलाया 3.5 से 9.5, 9 के बाद 3 और 6 9, 9 और 6 15, फिर इसको मिला देंगे 15 और 6 21, उसको मिलाएंगे 21 और 6 27, इसको मिलाएंगे 27 और 6 33, और फिर 33 और 6 39, 39 और 6 आपका हो जाएगा ये 45, स्केच से नहीं करना वैसे आपने इसको, पेंसिल से करना है 45 और 6 51, 51 और 6 57, और 57 और 6 63 को यहाँ लेके आएंगे, 57 और 6 63 यहाँ आ जाएगा। ऐसे पीछे वाले को भी कहाँ पे 2.5 पे लेके आएंगे यहाँ, ये हो जाएगी टीम बी की बहुभुज, ठीक है। अब जो थोड़ी गलती होगी इसको ठीक कर लेते हैं, ये पॉइंट तो ठीक थे मेरे ख्याल से, एक है 51.5 पे 6 था, 51.5 पे 6 ठीक है, फिर 57.5 पे था 2, 57 ये है 57, और 2 कहाँ पे आपका ये है, ये पॉइंट है, ये जो हमारा हुआ था ना ये वाला नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा,
ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, इसको ठीक कर लेते हैं अभी। इसको मिलाएंगे, ये मिला दिया और फिर इसको मिला दिया, अब कंप्लीट आपका है। ठीक है, ये टीम ए और बी के हमने सिर्फ क्या करने थे, बारंबारता के बहुभुज बना के दिखाने थे हमने, और कुछ नहीं करना था इसके अंदर। के करना क्या था, एक ही आलेख पर बारंबारता बहुभुजों की सहायता से दोनों टीमों के आंकड़े हमने इसके अंदर दर्शाने थे, और ये आंकड़े इस ढंग से हमने इसके अंदर दर्शा दिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। आठवां क्वेश्चन देखिए, एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में यहाँ बच्चों की संख्या, 1 से 2 वर्ष वाले बच्चे 5 हैं, 2 से 3 वाले 3 हैं, 3 से 5 वाले 6, 5 से 7 वाले 12, 7 से 10 वाले 9, 10 से 15 वाले 10 और 15 से 17 वाले 4 बच्चे हैं। करना क्या है, ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयचित्र खींची। वैसे आयचित्र हमने पीछे खींचने सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में पीछे जो क्वेश्चन किए गए उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ जो वर्ग अंतराल देखिए, 1 से 2 एक का अंतर है, 2 से 3 एक का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे 5 से 7 2 का अंतर है, 7 से 10 3 का अंतर है, 10 से 15 5 का अंतर है। तो यहाँ वर्ग अंतराल क्या दे रखे हैं, अलग अलग दे रखे हैं। और पीछे जब हमने आयचित्र खींचे थे वहाँ सभी वर्गों की चौड़ाई, जैसे 1 से 2 चौड़ाई 1 है, 2 से 3 चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई 1 है, 3 से 5 वर्ग की चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो वहाँ वर्ग की चौड़ाई पीछे के क्वेश्चन में बराबर होती थी, यहाँ वर्ग की चौड़ाई बराबर नहीं है। तो इसलिए ऐसा कुछ करेंगे कि अब क्योंकि आयत चित्र, नाम ही क्या है आयत चित्र, अब आयत चित्र खींचेंगे तो इस वर्ग की चौड़ाई का फर्क तो पड़ेगा ना उस आयत के क्षेत्रफल में। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, मैंने लिखा है पहले, आपको भी लिखना चाहिए ऐसे, क्या लिखना है देखिए, आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती, बारंबारता यानी कि वाई एक्सिस पर जो ऊंचाई दिखाते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जो ऊंचाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ आयतों की चौड़ाइयाँ बदल रही हैं, इसलिए आयतों की लंबाइयों में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब क्योंकि चौड़ाई तो दे रखी जो है वो है, अक्षेत्रफल समान रहे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, लंबाइयों को बदलना पड़ेगा, जिससे अक्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। फिर जैसे बारंबारता दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अक्षेत्रफल आपके चेंज हो जाए। और इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे मेन जो बात याद रखनी है कि समानुपाती बनाने के लिए हम एक ऐसा वर्ग चुनेंगे जो जिसका अंतर सबसे कम है। तो यहाँ दोबारा से बनाई टेबल देखी मैंने, यहाँ 1 से 2 2 से 3, तो कम से कम जो वर्ग की चौड़ाई का अंतर कितना है, 1 है, पहली बात तो ये याद रखेंगे, चौड़ाई कितना है, 1 है। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए लंबाई को कैसे बदलेंगे, पहले की बात करते हैं, 1 से 2 बच्चों की संख्या 5, वर्ग की चौड़ाई 1, तो ये जो बच्चों की संख्या, बारंबारता को वर्ग की चौड़ाई से भाग करेंगे यानी 5/1, फिर जो सबसे कम चौड़ाई उससे गुणा कर देंगे यानी गुणा 1 कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 3 है, वर्ग की चौड़ाई कितनी, 1 है, 2 से 3 में वर्ग की चौड़ाई 1 है, 3/1 गुणा 1 कर दिया। यहाँ देखिए बच्चों की संख्या 6, वर्ग की चौड़ाई यहाँ भी कितनी, 3 से 5 2 है, तो बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता को 2 से भाग करेंगे यहाँ पे और गुणा 1 कर देंगे, क्योंकि कम से कम वर्ग की चौड़ाई 1 है, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस केस की बात करें यहाँ 5 से 7 बच्चों की संख्या 12 है, 2 है, तो 12/2 करेंगे और 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ बाई चांस जो सबसे कम वर्ग की चौड़ाई जो 1 है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता 2 वर्ग की चौड़ाई कम, तो वहाँ 1 को 2 से गुणा करेंगे। अगर वर्ग की चौड़ाई जैसे कहीं पे 10 है कम से कम, तो वहाँ 10 से गुणा करेंगे, तो 5 से 7 वाले को 12/2 गुणा 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का डिफरेंस है 7 से 10 में, तो क्या कर देंगे, 9/3 गुणा 1 3 हो जाएगा, कट के 3 3 हो। फिर यहाँ 5 है तो 10/5 काटेंगे, 5 2 10 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले में 15 से 17 2 का डिफरेंस है, बच्चों की संख्या 4 है, तो 4/2 2 2 4 काटेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। यानी एक किस्म के आयत की लंबाई हम ये लेंगे, ये जो लंबाइयाँ हैं ये सारी है, इन लंबाइयों को लेंगे आयत की लंबाई, ये जो दे रखी है इनको देख के फिर हमने जो है ना आयत चित्र बनाना है। तो यहाँ देखिए आयत चित्र मैं बनाऊंगा ऐसे ही, ये मैंने लिख लिया है जो कुछ लिखना था पहले, तो नीचे आयु वर्षों में बच्चों की आयु 1 2 3 4 5 6 18 तक लिख दी, फिर बच्चों की संख्या है यहाँ वाई एक्स पे 1 2 3 4 5 6
यहाँ बच्चों की संख्या दिखा दिया। कैसे करेंगे, देखिए पहले करेंगे बात इसकी कि एक से दो वर्ष वाले बच्चे और आयत की लंबाई की बात करें कितनी है, पाँच है। वर्ग की चौड़ाई एक नहीं है हर जगह, क्योंकि हमने गुणाई कितने से, गुणा कितने से कर दी, एक से कर दी है। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे अब इसको, नहीं वर्ग की चौड़ाई जो दे रखी वही लेंगे, हाँ आयत की लंबाई बदल दी उसके अकॉर्डिंग। तो एक से दो वाले कितने बच्चे हो गए, एक किस्म से पाँच हो गए अभी, एक से दो वाले पाँच। तो हम क्या कर देंगे, एक से दो कितनी ऊंचाई का आयत बना देंगे, पाँच का, ये एक से दो, ये एक से दो आपका, और ऊंचाई कितनी कर दूंगा इसकी, पाँच, पाँच की सिद्ध में यहाँ पे ऐसे एक से दो भी पाँच की सिद्ध में यहाँ आपको स्केल से मिलाना, मैंने सात से मिला दिया, एक से दो। फिर है आपका दो से तीन पे तीन, दो से तीन पे तीन, ये दो से तीन है, ये रहा दो से तीन, कहाँ तक लेके जाना है, तीन तक। और इसमें अगर तीन देखेंगे, ये दिख रहा है फुटे में से दिख रहा है तीन, ये तीन तक ले आएंगे ऐसे, ये दो से तीन हो जाएगा आपका, तीन तक मिला दिया, दो से तीन। फिर तीन से पाँच तीन, अब वर्ग की चौड़ाई देखिए दो होगी, तीन से पाँच तीन, तो तीन से पाँच में इसको मैं यहाँ लूँगा, देखिए तीन से पाँच, और तीन से पाँच में कितना आपका, तीन से पाँच में तीन, तीन से पाँच और कहाँ लेके जाएंगे, तीन तक, ये तीन तक भी, तीन से पाँच तीन, दोनों की ऊंचाई बराबर हो गई आप इनकी, देखिए तीन से पाँच कितना तीन, ठीक है। फिर पाँच से सात पे है छः, पाँच से सात पे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, छः हो जाएगी, पाँच से सात ये पाँच हो गया आपका, और लंबाई हो जाएगी छः, ये छः तक कर दिया, पाँच से सात, सात ये ले लिया यहाँ पे नहीं दिख रहा, सात, पाँच से सात पे कर लिया छः, ये छः लीजिए आपका, पाँच से सात छः, पाँच से सात पे छः। फिर सात से दस तीन, सात से दस जाएंगे सीधे भी, सात, ये सात और ये दस, तो यहाँ दस पे रख देंगे, सात से दस कितना तीन, और यहाँ तीन देखेंगे ये रहा, तो सात से दस पे कितना कर दिया तीन, तीन, सात से दस पे तीन, और फिर दस से पंद्रह पे पाँच, सात से दस पे तीन, और दस से पंद्रह पे कितना दो है, देखिए यहाँ देखेंगे ये दस से पंद्रह पे कितना है दो, तो दस से पंद्रह, ये दस हो गया और ये पंद्रह इतनी दूर आ गया अभी, और कहाँ तक जाएगा, दो तक, दो आपका ये रहा, दो ये रहा, तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये दस से पंद्रह, दस से पंद्रह, तो ये आपका क्या बन गया है, यहाँ पे आयत चित्र बन गया है। और इसमें कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं इसके अलावा, बस सिर्फ आयत चित्र बनवाया था, वरना जनरली क्वेश्चन में एक आध बात और पूछ लेता है, तो ये आपका आयत चित्र रेडी है। बस इसमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि सभी वर्गों की चौड़ाइयाँ अलग अलग हैं, तो इन आयतों की, ये जो आयत बन गई, ये आयत बन गई, ये आयत है, ये आयत है, इन आयतों की चौड़ाई जो है, इन आयतों की लंबाई जो है, उसको बराबर करने के लिए हमने ये इस ढंग से किया था, ध्यान रखना आपने कैसे किया है। और इस ढंग से आपका ये आठवां क्वेश्चन कंप्लीट। नौवां क्वेश्चन देखिए, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से सौ कुल नाम सरनेम यादृच्छ लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। देखिए वर्णमाला के अक्षर अक्षर एक से चार यूज होने वाले सरनेम कितने हैं, छः हैं, चार से छः अक्षर हैं तीस कुल नाम है से, छः से आठ वाले चवालीस, आठ से बारह वाले सोलह, और बारह से बीस वाले कितने, चार, ये दे दिए पहले। तो क्वेश्चन क्या, पहला दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे, इन सूचनाओं को निरूपित करने वाला हमने क्या करना है, एक आयत चित्र खींचना है। अब यहाँ फिर वही पीछे वाले क्वेश्चन की तरह देखिए, जो वर्गों का अंतर बराबर नहीं है, यहाँ एक से चार तीन का अंतर है, चार से छः दो का, छः से आठ दो का, आठ से बारह चार का, और बारह से बीस आठ का अंतर है। तो पहले हम इनकी इसके लिए फिर करेंगे क्या, ऐसे तो आंसर सही नहीं आएगा, क्योंकि वर्ग जो आयत जो बनाओगे सबकी चौड़ाइयाँ अलग अलग बनेंगी,
तो सबकी चौड़ाइयाँ अलग अलग बनेंगी तो फिर क्षेत्रफल गड़बड़ हो जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लंबाई जो है जिसमें बारंबारता को हम दिखाते हैं, उस लंबाइयों को हम बदल लेंगे। कैसे, देखिए आयतों के क्षेत्रफल आयत चित्र की बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, ठीक है, परंतु क्योंकि यहाँ आयतों की चौड़ाइयाँ बदल रही हैं, चौड़ाई बदल रही है यहाँ पे, इसलिए आयतों की लंबाइयों में परिवर्तन करने पड़ेंगे, परिवर्तन करेंगे हम यहाँ पे, जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए, क्षेत्रफल पुनः जो है बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए। और इसके लिए मैंने टेबल दोबारा से बनाई, देखिए एक से चार वाले अक्षर और यहाँ पे कुल नाम कितने, छः हैं, वर्ग की चौड़ाई एक से चार में कितनी, तीन है। इसके लिए अगर याद है पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कम से कम वर्ग अंतराल को देखेंगे, वर्ग की चौड़ाई को कम से, यहाँ देखिए वर्ग की चौड़ाई तीन है, यहाँ चार से छः दो है, छः से आठ दो है, आठ से बारह चार है, और बारह से बीस आठ है, तो कम से कम कितनी है, दो है। तो इस दो के समानुपाती कैसे बनाएंगे, इसको देखिए हम यहाँ क्या देखिए, कुल नाम कितने, कुल नामों की संख्या छः, चौड़ाई कितनी है तीन, और गुणा किसे कर देंगे, जो वर्ग की कम से कम चौड़ाई है उससे, इसको काटेंगे, देखिए तीन दूनी छः हो जाएगा, ये तीन दूनी छः, और दो दूनी कितना बन जाएगा, चार, यानी कि आयत की लंबाई चार हो जाएगी। यहाँ पे कुल नामों की संख्या कितनी है, तीस, बटा कितना कर देंगे दो, और गुणा में कितना कर देंगे दो, दो एकम दो कट जाएगा, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी तीस, आयत की लंबाई तीस हो जाएगी, ठीक है भाई। फिर यहाँ कितना आपका चवालीस, तो यहाँ क्या करेंगे, चवालीस बटा दो गुणा दो, दो से दो काट देंगे, इस आयत की लंबाई चवालीस ही हो जाएगी। फिर ये 16 और ये 4 से क्या कर देंगे, 16 बटा 4 गुना 2, इसको काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, आयत की लंबाई 8 हो जाएगी। और लास्ट वाले में देखिए कि ये क्या हो जाएगा आपका, 8 ये 4 बटा 8 उल्टा लिख दिया, 4 बटा 8 और गुना कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो इस आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी। अब इस टेबल के हिसाब से हम क्या करेंगे, आयत चित्र यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या नीचे एक्स एक्स पे 1 2 3 4 5 12 तक कर दिया, और यहाँ क्या लिखा, कुल नामों की संख्या 10 20 30 और 40। अब इनकी बनाते हैं हम आयत चित्र। आयत चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए आयत चित्र के लिए पहले ये देखिए, एक से चार के अंदर आयत की लंबाई कितनी है, चार है, एक से चार में कितनी है, चार, तो एक से चार आपका जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा एक से चार, और चौड़ाई कितनी है इसकी, चार है, तो यहाँ देखिए दस है, ये पाँच है, इससे एक नीचे ये आपका चार हो जाएगा, क्योंकि जीरो से दस, दस खाने, तो चार कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और एक से चार दूसरा चार आपका कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ इसको मिला देंगे, हाथ से नहीं मिलाना, स्केल से मिलाना आपको, मैंने हाथ से वैसे मिला दिया, छोटा था, आपको इसको स्केल से मिलाना है। तो पहला तो आयत चित्र ये बन जाएगा एक से चार का, छोटा सा बिल्कुल, देखिए चौड़ाई इसकी, ठीक है, एक से चार में कितना आपका, चार है, फिर चार से छः में है तीस, चार से छः में तीस, अब ये स्केल ले लीजिए ऐसे, चार से छः और तीस, यहाँ पर ये रहा आपका, तो ये आपका हो जाएगा तीस, चार से छः, छः यहाँ पर, ये चार, ये छः, छः यहाँ पे रखा और कहाँ तक ले गए, तीस तक, ये तीस, ऊपर से मिला दी इसको, ठीक है, चार से छः में तीस। अब चार से छः के बाद छः से आठ कितना है, चवालीस, छः से आठ है चवालीस। अब यहाँ देखिए ये 40 है, यहाँ क्या है 50, और 40 के ऊपर ये 45, इससे एक नीचे, और कहाँ से कहाँ करना आपने, ये 6 से 8, ये 6 से 8 की लाइन है, और 44 ये यहाँ पे 40 और ये 45, और इससे एक नीचे क्या हो जाएगा आपका 44, ये 44 कहाँ से कहाँ करना था, 6 से 8 यहाँ, ये 44, इनको मिला दीजिए, आपने डोट नहीं लगाना, मैंने तो बारीक खाने इसलिए लगा दिया कि तो आँखें भी ठीक ठाक होंगी, होनी भी चाहिए, ये 44 कर दिया अभी इसका, ठीक है,
उसके बाद 6 से 8 44, फिर 8 से 12 कितना है, 8 की चौड़ाई लेनी है। अब 8 से 12 यानी कि यहाँ तक आएगा, 12 से 20 तो बाकी रहेगा भी, अपना ग्राफ तो छोटा पड़ गया, ध्यान भी नहीं दिया। 8 से 12 और 12 से 20, चलो छोटा रहेगा, इसको वैसे कर लेंगे समझने के लिए। 8 से 12 कितना है आपका, 8, और फिर आपका 8 से 12 8 दिखाते हैं पहले, तो उसकी बात करते हैं। 8 से 12 ये कितना आपका 10, ये 10 की लाइन ये है, और कितना है इस पर 8, 8 यानी कि 10 से 2 नीचे, 8 से 12, 8 से 12 दो नीचे यहाँ तक, ये हो गया आपका 8 से 12, दिख रहा है ना, हाँ 8 से 12। ठीक है, अब अगला क्या है, 12 से 20, मैंने शुरू में ध्यान नहीं दिया, चलो वैसे बता देता हूँ आपको। 12 से 20 ये 12 है, फिर 12 के बाद क्या आएगा आपका 13, 14 आएगा, फिर 15 आएगा, आगे कहीं 16 17 18 19 20 कर लेंगे, वैसे बता देता हूँ। 12 से 20 कितना है 1, और इसमें 1 देखेंगे तो बिल्कुल छोटा सा बनेगा, देखिए 12 से 20 में कितना है 1। अब एक तो क्या देखिए, ये तो नीचे तो 0, इससे बिल्कुल 1 यानी 1 खाना ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल पतली सी लाइन जाएगी, और वैसे भी 20 तक लेके जाना है इसको, तो बिल्कुल 1 खाना ऊपर कर देता हूँ, अभी इससे 1 खाना ऊपर कर लेना आप इसको, इससे 1 खाना ऊपर 20 तक भी ले जाना, इससे 1 खाना ऊपर कर देना आगे तक, ऐसे ये आगे तक जाने देना 12 से 20, ऐसे 20 तक कर देना आप इसको, और सिर्फ 1 ही खाना है इसको। अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हो, जैसे ये खाने मैंने क्या किया 10 का 10 लिया, आप क्या कर सकते हो 20 की बजाय अगर यहाँ पे 10 ले लेंगे, यहाँ 10 दो दो खानों पे, तो थोड़ी सी और इसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी, ठीक है, इतना कर लेना, ये सिर्फ एक खाना है यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस ढंग से आपका ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है, और आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट है। मिलते हैं 10th क्लास के वीडियो के अंदर, वहाँ देखिए पहले से मैंने बना रखा है, कंप्लीट है 10th का सिलेबस। कॉन्ग्रेचुलेसन, 10th क्लास में जाने के लिए तैयार रहें, वहाँ आपको मेरे सारे के सारे वीडियो मिलेंगे, कंप्लीट मैथ को वहाँ पे सोल्व कर रखा है। थैंक यू, मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, 10th क्लास वाली में।